Hello everyone, Jai Hind, my name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel Target with Alok. Practice set second आपके सामने है, तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने, ही इज पार्ट ए जूनियर दैन द टीम लीडर पार्ट बी बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स सी एंड डी नो एरर होता है. तो कहां पर एरर है आपको बताना है, किस पार्ट में एरर है. जिस पार्ट में एरर है वही आंसर होगा, और अगर एरर नहीं है तो आंसर डी होगा. तो इस सेंटेंस में एरर आपको साफ साफ दिख रहा है. यहां पर आपको पता है कि जूनियर हो, सीनियर हो, सुपीरियर हो, इंफीरियर हो, इनके साथ दैन नहीं लगाते हैं बल्कि टू लगाते हैं. तो एरर बी में है, आंसर है बी, जूनियर टू द टीम लीडर होगा ना कि दैन. क्वेश्चन नंबर टू, चंद्र भाटिया इज इन द हैबिट ऑफ पार्ट ए हिटिंग द नेल इन द हेड ऑफ दोज हु पार्ट बी ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर अचीवमेंट्स. ठीक है, ये आपका सेंटेंस है. आप ध्यान दीजिए एक एक पार्ट पर कि कौन सा पार्ट गलत लग रहा है. चंद्र भाटिया इज सब्जेक्ट के साथ इज सही है. इन द हैबिट ऑफ ये होता है फ्रेज, गलत नहीं है, ये भी सही है. ऑफ के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है तो ये पार्ट भी सही है, हैबिट ऑफ हिटिंग द नेल इन द हेड. तो अब यहां पर देखिए, हिट द नेल इन द हेड ये भी सही है, लेकिन यहां पर बात ये आ रही है कि ऑफ दोज प्लूरल आ गया. तो अगर प्लूरल आ गया तो यहाँ हेड्स होना चाहिए, हेड्स ऑफ दोज हु ऑलवेज बोस्ट ऑफ देयर अचीवमेंट्स, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग हेड्स होंगे ना, तो प्लूरल में होना चाहिए हेड्स. ओके, तो बी में एरर है. क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं. I was unhappy at the thought part A that I could not attend Sachin's part B marriage tomorrow C and D no error. तो आप देख रहे हैं I was unhappy at the thought, तो यहां पर A में ही error है, unhappy with होना चाहिए, with the thought, at नहीं होगा. ठीक, question number four. When we think of Gandhi part A we feel that he was the most part B unique man of the world C and D no error. Okay, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप जानते हैं कि यहां पर B में error है. और B में क्या error है, यहां पर the most नहीं होगा, आ सिर्फ लगेगा. unique एक ऐसा word है जिसको जिसका सेंस सुपरलेटिव कही होता है, इसमें आप मोर मोस्ट कुछ भी नहीं जोड़ सकते. ठीक है, तो बी में एरर है, वहां द मोस्ट नहीं होगा, सीधे द आ यूनिक मैन ऑफ द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर फाइव, द ऑफिसर रिसीव्ड ऑर्डर पार्ट ए टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग पार्ट बी हिज सबऑर्डिनेट सी एंड डी नो एरर. तो अगर आपने पढ़ा हुआ है नाउन के पार्ट में, मैंने ये पढ़ाया है कि ऑर्डर्स होता है, ऑफिसर्स ऑर्डर्स रिसीव करते हैं हमेशा प्लूरल में. ठीक है, बाकी ऐसे आप किसी को ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जो ऑफिसर्स को मिलते हैं वो ऑर्डर्स होते हैं. तो ए में एरर है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, देयर वॉज पार्ट ए अ हाउस एट अ पार्ट बी डिस्टेंस ऑफ 2 miles सी और डी नो एरर. तो ये तो ठीक है, देयर वॉज अ हाउस सही है. एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 miles क्यों होगा, यहां पर एट द डिस्टेंस होना चाहिए ना, क्योंकि डिस्टेंस को आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है. कितना डिस्टेंस, 2 mile, 2 miles का डिस्टेंस. ठीक है, तो 2 मीलों का, 2 मीलों की दूरी, तो आप कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ 2 miles. ठीक, क्योंकि इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है. तो बी में एरर है, आ नहीं होना चाहिए. Question number 7. As a student of English literature, part A, he often reads novels, part B, written by famous English novelist. तो ये भी सेंटेंस कहीं ना कहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है. यहां पर भी नॉवेल्स लिख करके उन नॉवेल्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है. कौन सी नॉवेल्स, रिटन बाय फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, ये बताया जा रहा है, वो नॉवेल जो फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट ने लिखी है. तो नॉवेल्स को यहां पर भी डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो यहां भी द लगना चाहिए. ठीक है, तो द नॉवेल्स, तो बी में एरर है.
ठीक है। तो जब भी नाउन को डिस्क्राइब किया जाए आगे तो उसके साथ आपको दा लगाना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, एज एन ऑर्गेनाइजेशन मूव्स फ्रॉम पार्ट ए वन सिस्टम टू अनदर, ट्रांजिटरी प्रॉब्लम्स विल नो डाउट अराइज। नो एरर, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, हम लोग ज्यादा आगे चले गए। क्वेश्चन नंबर 9, शी इज सो पार्ट ए प्राउडी दैट शी विल नॉट सबमिट पार्ट बी टू करेक्शन, सी एंड डी। नो एरर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्राउडी जो है ये कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड होता है प्राउड, शी इज सो प्राउड, ठीक है। प्राइड होता है नाउन, पी आर आई डी ई, प्राइड होता है नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं गर्व, ठीक है। और प्राउड होता है एडजेक्टिव, और प्राउडली होता है एडवर्ब, एल वाई लग जाता है। प्राउडी नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, यूजुअली लोग इसे बोल देते हैं पता नहीं क्यों। तो बी में एरर हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हिज डिजायर पार्ट ए वॉज ग्रेट, हिज प्रेयर्स सिंसियर। तो भाई डिजायर के लिए वॉज लगाया, प्रेयर्स के लिए भी तो कोई वर्ब लगेगी ना, और प्रेयर्स प्लूरल में है तो प्रेयर्स के लिए क्या लगना चाहिए, वर। तो हिज डिजायर वॉज ग्रेट, हिज प्रेयर्स वर सिंसियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द विंडो ऑफ हिज रूम इज ओपन, द विंडो ऑफ हिज रूम इज ओपन, कोई एरर नहीं है, उसके कमरे की खिड़की खुली है, नो एरर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मनी मेक्स मे गो। ओके, तो ये एक सेइंग है, एक कहावत है। तो ये कहावत क्या है ये बता दूं, ये कहावत है मनी मेक्स द मे गो, ठीक है। यानी पैसे काम, पैसा जो है वो काम को आसान बना देता है, इसका ये सेंस है। तो सी में एरर है, मेयर से पहले दा लगता है इस कहावत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, ऑर्डर्ड दा तक तो ये हो गया, फिर स्टूडेंट्स टू ओपन द बुक बी हो गया, ऑन पेज 10, तो ऑब्वियसली ऑन नहीं होगा, एट होगा, एट पेज 10। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज हार्डली 10 ईयर्स पार्ट ए अगो सिंस द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। देखिए अगो जब लग जाता है ना तो उसके साथ सिंस नहीं लगता है। अगर ये होता कि 10 ईयर्स हैव पास्ड तब आप सिंस लगा सकते थे, ठीक है, पर अगो लगा है तो आप सिंस नहीं लगाएंगे। आप यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे व्हेन द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज हार्डली 10 ईयर्स अगो व्हेन द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बी में एरर हो गया 14th में भी। 15th में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, अनलेस यू हैव पार्ट ए नो ऑब्जेक्शन I पार्ट बी विल नॉट कम। तो ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि अनलेस जिस क्लॉज में यूज होता है उस क्लॉज में कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता, तो अनलेस यू हैव ऑब्जेक्शन आई विल नॉट कम ये होगा, ठीक है, नो का यूज यहां पर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली 15th में भी बी में ही एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ऑन मंडे लास्ट 3 African nationalists were hung by the Pretoria government. अच्छा, on Monday last ऐसे करके headings होती हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है इसमें B part में, hung नहीं होगा, यहाँ पर hanged होगा। तो ये सीख लीजिए, बहुत important है। एक hang का मतलब होता है टांगना या लटकाना, ठीक है। कोई चीज आप अगर टांग रहे हैं या लटका रहे हैं तो आप उसे hang कर रहे हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म भी होती है हंग। और एक हैंग वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है फांसी देना, फांसी देना या फांसी लगाना। तो फांसी देना या फांसी लगाना के सेंस में जो होता है ना, उसकी सेकेंड फॉर्म हैंग्ड होती है, और यही थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड, हैंग्ड। तो यहां पर नेशनलिस्ट वर्ड हैंग्ड होगा क्योंकि फांसी दिया गया के सेंस है, ठीक है। तो बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अफ्रेट पार्ट ए लेस देयर एक्टिविटीज पार्ट बी
may be banned part C. ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, अगर लेस्ट का यूज हुआ है तो आगे चल के शुड का ही यूज होगा, उसके अलावा किसी का भी यूज नहीं हो सकता, ना मे ना विल ना कैन, कुछ नहीं, लेस्ट के साथ आगे शुड का यूज होता है, ठीक है। तो एरर है सी में, ठीक है, लेस्ट का यूज हुआ तो आगे मे का यूज कैसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, आई लाइक टू प्ले पार्ट ए द फुटबॉल बिकॉज इट इज पार्ट बी एन इंटरेस्टिंग गेम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब आप फुटबॉल को एज अ गेम प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो ये याद रखिए कि किसी भी गेम के नाम के साथ आप आर्टिकल नहीं लगाते। अगर फुटबॉल ऑब्जेक्ट की बात होती तब आर्टिकल लगता, पर गेम की बात हो रही है तो यहां पर द नहीं होना चाहिए, बी में एरर है, सीधा होगा आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मेन आर बट पार्ट ए चिल्ड्रेन ऑफ पार्ट बी लार्ज ग्रोथ। ये भी एक सेइंग है, तो इसमें कहां एरर है मैं बता दे रहा हूं, सी में एरर है, और ये सेइंग है मेन आर बट चिल्ड्रेन ऑफ लार्जर ग्रोथ, ठीक है। इसमें आप ग्रामेटिकल पॉइंट मत ढूंढिए, क्योंकि कई बार सेइंग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन है। शी इज वन ऑफ डैश वन ऑफ पार्ट ए द बेस्ट मदर्स दैट पार्ट बी हैज एवर लिव्ड। बढ़िया क्वेश्चन, तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, सिंपल सा आंसर होना चाहिए आपका सी। सी में यहां हैज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हमेशा याद रखिए कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हु हो व्हाट हो कोई भी हो, जिस नाउन के ठीक बाद आता है ना, तो अब मदर्स के बाद दैट आ रहा है, तो इस दैट का जो नंबर और जो पर्सन होगा वो वही होगा जो इसके पहले नाउन का है। तो ये नाउन प्लूरल में है तो इसको भी प्लूरल ही मानिए आप, है ना, तो इस नाउन के हिसाब से आगे वर्ब आप लिखिए, तो यहां प्लूरल वाली वर्ब आएगी हैव एवर लिव्ड, ठीक है। अब वन ऑफ द के हिसाब से यहां नहीं आएगी क्योंकि ये दैट की वर्ब है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वी मस्ट पार्ट ए गार्ड आवरसेल्व्स पार्ट बी फ्रॉम बैड हैबिट, सी और डी नो एरर। ओके, तो वी मस्ट गार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम बैड हैबिट्स, इसमें क्या एरर है, बिल्कुल सही है, बुरी आदतों से हमें खुद को बचाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, नीदर ऑफ द टू पार्ट ए बॉयज वर सक्सेसफुल पार्ट बी इन द एग्जामिनेशन। ईदर ऑफ या नीदर ऑफ जब भी आता है तो उसके बाद टू ही आता है, तो यहाँ टू है ये तो सही है, बॉयज है वो भी सही है, लेकिन वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर वाली होती है, क्योंकि दोनों में से एक भी नहीं की बात हो रही है ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर वाली लगती है, तो वॉज सक्सेसफुल होना चाहिए ना कि वर। क्वेश्चन नंबर 23, द बुक रिटन बाय हिम पार्ट ए इज एट वंस बोथ पार्ट बी इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव एंड हो गया सी और डी नो एरर। अच्छा, ये भी सिंपल सी बात है कि यहां पर बी में एटवंस क्यों आया, आप सीधा सीधा कह सकते थे कि द बुक रिटन बाय हिम इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंस्ट्रक्टिव, एटवंस का यहां पर कोई यूज ही नहीं है। अच्छा, इतना मैंने अभी बता दिया, अभी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है आपके लिए कि एस्टेट 3.0 बैच में एनरोलमेंट स्टार्ट है, एडमिशन स्टार्ट है, आपको सिंपली इतना करना है कि ये जो नंबर यहाँ दिख रहा है इसे पहले अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए, अपने फोन में सेव कर लीजिए, 9125423936, इस नंबर को फोन में सेव कर लीजिए, फिर व्हाट्सएप पर जाकर इस नंबर को खोलिए और इस पर एंट्री एस्टेट 3.0 2021 लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए। इस बैच से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, मान लीजिए कुछ और जानना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, ठीक है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप फोन कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आप नंबर सेव कर सकते हैं बाद में। ओके, इसके अलावा क्यों भाई TWA में ही क्यों एडमिशन लिया जाए एस्टेट की तैयारी के लिए, तो बैच की कुछ विशेषताएं हैं जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं और TWA में होता है, और क्या है वो कि 6 आवर्स की
पर डे क्लासेस मिलेंगी, प्रतिदिन कक्षाएं हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, जैसे ये मिक्स प्रैक्टिस है वैसे ही हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी होती है, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस की एक सीरीज आपको कराई जाती है सॉल्व, 75 प्लस प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते हैं, मैराथन रिवीजन होता है एग्जाम के कुछ ही दिन पहले, हम लोग एक मैराथन क्लास लेते हैं जिसमें कंप्लीट कोर्स रिवाइज किया जाता है, टेस्ट सीरीज होती है ना, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जो और जगहों पर नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से TWA बहुत ज्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं TWA पर और एडमिशन लेते हैं। तो आपके लिए सिंपल सा वे है कि ये जो नंबर है इसको सेव कर लीजिए, इस पर एंट्री एस्टेट 3.0 2021 लिखकर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और यहां पर देखिए मैंने बता दिया था कि एडवांस नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, दे हैड अ पार्ट ए गुड प्ले ऑफ फुटबॉल। गुड प्ले ऑफ फुटबॉल क्या होता है, गुड मैच ऑफ फुटबॉल होता है, तो यहां पर बी में एरर है, प्ले नहीं होना चाहिए, मैच होना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 25, वी हर्ड दैट द पार्ट ए इंस्पेक्टर विल पे अ विजिट पार्ट बी टू आर स्कूल नेक्स्ट मंथ। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहां पर साफ साफ दिख रहा है जब आपने पहले पार्ट में हर्ड यूज किया यानी पास्ट टेंस यूज किया, तो दूसरे में आप फ्यूचर में कैसे आ सकते हैं, तो जब पास्ट यूज कर रहे हैं तो इसको भी पास्ट में होना चाहिए, यानी विल की जगह यहां पर वुड होना चाहिए। तो वी हर्ड दैट द इंस्पेक्टर वुड पे अ विजिट टू आवर स्कूल, नरेशन में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, कि आप फिर दैट के बाद अगर फ्यूचर है तो विल को वुड में चेंज कर देते हैं, ना, तो ये वही है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, द किंग एज वेल एज पार्ट ए द मिनिस्टर्स वर पार्ट बी सिक सी। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है, द किंग एज वेल एज पार्ट ए द मिनिस्टर्स वर पार्ट बी सिक। अब देखिए ये यहां पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वो रूल अप्लाई होता है जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ाने से पहले भी मैं बता चुका होता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी पढ़ाता हूँ, कंजंक्शन में भी ये रूल रिवाइज हो जाता है। तो रूल क्या है, देखिए अगर एंड से सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा रूल है, उसकी बात हम लोग अलग से करते हैं, लेकिन एंड के अलावा अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ रहा है Not only but also से, या फिर सिर्फ but से, या फिर either or neither nor या और से, इतने conjunctions आप याद रख लीजिए। तो not only but also और but एक ही family में हो गए, but की family में, और आइदर और नाइदर नॉर और एक ही फैमिली में हो गए, और की फैमिली में है ये, ठीक है। तो और बट की फैमिली वाले जो कंजंक्शंस हैं, अगर इनसे सब्जेक्ट्स जुड़ रहे हैं तो आप हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट को मेन मानते हैं, और वर्ब या प्रनाउन अगर सब्जेक्ट का होगा तो वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई भी दूसरे कंजंक्शंस आते हैं, एज वेल एज है, with है, together with है, along with है, अगर ये सब आते हैं तो आप first subject को main मानते हैं, और verb या subject का pronoun first subject के हिसाब से होता है। तो यहां पर ministers were नहीं होना चाहिए, ministers was होना चाहिए, भले ही पढ़ने आपको लगे ministers was, लेकिन जब आप पूरा पढ़ेंगे और grammatical structure समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही है, द किंग एज वेल एज द मिनिस्टर्स वॉज सिक। तो यहां मेनली किंग को लिया जा रहा है तो वॉज यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द मास्टर एज वेल एज पार्ट ए हिज सर्वेंट्स पार्ट बी वर फास्ट अस्लीप। अब यहां तो सिंपल सा एरर दिख रहा है, फास्ट अस्लीप क्या होगा, वर अस्लीप सिंपल सा लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, The choice is between part A, a glorious death, or part B, a shameful life.
अलग इस तरह का भी मैं सेंटेंस करा चुका हूं पहले वाले प्रैक्टिस में भी। खैर देख लीजिए आप यहाँ पर, ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने बिटवीन का यूज किया है तो बिटवीन के बाद जिन भी दो नाउंस को आप जोड़ रहे हैं या प्रोनाउंस को आप जोड़ रहे हैं उनके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ एंड लगाते हैं और कुछ नहीं लगा सकते। तो द चॉइस इज बिटवीन अ ग्लोरियस डेथ एंड अ शेमफुल लाइफ। तो एंड का ही यूज होता है बिटवीन के साथ। नंबर 29, He turned a deaf ear to part A, the advices part B of his father. Okay. Turn a deaf ear मतलब होता है अनसुना करना, ठीक है। तो उसने अपने पिता की सलाह को अनसुना किया ना, पिता की सूचनाएं अनसुना किया, ये तो नहीं होगा। अगर सलाह के सेंस में एडवाइस होता है तो वो अनकाउंटेबल होता है, उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, है ना। तो यहाँ सलाह के ही सेंस में, यहाँ एडवाइसेस नहीं होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए। सूचनाएं के सेंस में ये एडवाइसेस होता है ना, पर यहां सूचनाओं का सेंस नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस। नॉट ओनली मुकेश एंड रमेश पार्ट ए हेल्प्ड द ओल्ड मैन बट आल्सो पार्ट बी गेव हिम सम मनी पार्ट सी एंड नो एरर डी। अच्छा, ये सेंटेंस अगर आप फ्रीक्वेंटली पढ़ते हैं इस तरह के सेंटेंसेस तो आपको जल्दी से एरर नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान दें और इस बात को सीख लें तो आप हर जगह एरर इस तरह के फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो ये कंजंक्शन होता है ना, और ये भी पता है कि कंजंक्शन से दो एक जैसी चीजें ही जुड़ती हैं, या तो नाउन ही नाउन जुड़ जाता है ना, या तो प्रोनाउन प्रोनाउन जुड़ जाता है, या वर्ब वर्ब जुड़ जाती है, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है ना। ऐसा नहीं होता कि एक नाउन और एक वर्ब कंजंक्शन से जुड़े। आप ऐसा कभी कहते हैं क्या, रोहित एंड वेंट देयर, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कंजंक्शन से दो एक जैसी चीजें ही जुड़ती हैं। अब आप अगर देखें तो मुकेश एंड रमेश एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा कोई सब्जेक्ट है क्या यहां पर, नहीं है, है ना। तो जब दो सब्जेक्ट्स नहीं है तो दो सब्जेक्ट्स जुड़ नहीं सकते नॉट ओनली बट ऑल्सो से। इसका मतलब इसके पहले नॉट ओनली का आना गलती है। नॉट ओनली उसके पहले आए जो दो हो, जो जुड़ सकते हैं, है ना। तो अब आपने देखा कि यहां जो पार्ट है हेल्प द ओल्ड मैन, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, गेव हिम सम मनी फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है। तो दो पार्ट्स हैं प्रेडिकेट के, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट आप कह सकते हैं। तो दो पार्ट्स हैं प्रेडिकेट के, सब्जेक्ट्स के दो पार्ट नहीं है, प्रेडिकेट के दो पार्ट हैं। तो बाद वाला जो पार्ट है उसके साथ तो बट ऑल्सो लगा हुआ है, लेकिन पहले वाले पार्ट के साथ नॉट ओनली नहीं रखा है। तो नॉट ओनली को कहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए। तो सेंटेंस का सेंस निकलेगा मुकेश एंड रमेश, सेंटेंस बनेगा मुकेश एंड रमेश नॉट ओनली हेल्प द ओल्ड मैन बट आल्सो गेव हिम सम मनी। हिंदी सेंस आएगा मुकेश और रमेश ने ना केवल बूढ़े व्यक्ति की सहायता की बल्कि उसको कुछ पैसे भी दिए, ये सेंस आएगा। और ऐसे इसका क्या सेंस निकल रहा है, ना केवल मुकेश और रमेश ने बूढ़े व्यक्ति की सहायता की बल्कि उसको पैसे भी दिए। हो सकता है हमें सुनने में लगे कि ठीक तो है, लेकिन नहीं, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सही होगा तब जब होगा मुकेश और रमेश ने ना केवल बूढ़े व्यक्ति की सहायता की बल्कि उसको कुछ पैसे भी दिए, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने था, और फिर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे करके जा रहा हूं कि एस्टेट 3.0 बैच में एडमिशन स्टार्ट है। 9125423936 ये नंबर अपने पास सेव कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए एंट्री एस्टेट 3.0 2021 लिख करके, तो जो भी एडमिशन का प्रोसीजर है और जो भी डिटेल है वो सब आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो उसको क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हैं, तो यहाँ ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पर फोन करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और लिख लीजिएगा। फिर
बैच की कुछ विशेषताएं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता दूं भाई, हमारे मास्टेट का बैच लेने का फायदा क्या क्या है कि 6 hours तो एवरीडे क्लास है, हैंड रिटन नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव डाउट सेशन मिलेगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला, जितने भी मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 75+ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मैराथन रिवीजन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो इतनी सारी चीजें यूजुअली आपको कहीं और नहीं मिलती हैं और यही सारी चीजें TWA को हिट बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।